नमस्कार। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ लोग प्रायः ये बात भूल जाते हैं कि हमारे इसी समाज में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन पर ईश्वर हमारे जितना मेहरबान नहीं है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 2 करोड़ से अधिक व्यक्ति फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं और इनमें सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में जिसके संविधान में समानता के अधिकार की बात की गई हो, भला ऐसे स्पेशल लोग उनकी उच्च शिक्षा और उनके रिहैबिलिटेशन पुनर्वास के बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे अनोखे विश्वविद्यालय में जो पूरे देश में अपने किस्म का इकलौता विश्वविद्यालय है। तो आइए चलते हैं। ये देश का पहला पुनर्वास विश्वविद्यालय है। मानसिक मंदित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित और निःशक्त विद्यार्थियों को सामान्य छात्रों के साथ जोड़ता डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के मोहान रोड पर 131 एकड़ में फैली ये शिक्षा स्थली 2009 में प्रारंभ हुई और आज यहां 2000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समाज के एक विशेष वर्ग को सामान्य वर्ग के साथ जोड़ता ये विश्वविद्यालय देश दुनिया के लिए मील का पत्थर है। देखिए, आप अच्छी तरह अवगत हैं कि देश की कुल आबादी में लगभग 3.5% आबादी विकलांगजनों की आबादी है। उन विकलांगजनों को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के लिए कोई भी ऐसा दूसरा विश्वविद्यालय पूरे देश में नहीं है जहां की 50% तक शिक्षण में आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई हो। तो इस पवित्र और बड़े उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें समस्त पाठ्यक्रमों में 50% आरक्षण विकलांग बच्चों के लिए है और इन 50% में भी तो उनका आधा 50% यानी ब्लाइंड लोगों के लिए आरक्षित है। यह एक मतलब अकेला प्रावधान है जो कि केवल इसी विश्वविद्यालय में है। उत्तर प्रदेश के विकलांग कल्याण विभाग द्वारा स्थापित और सरकार के एक अध्यादेश द्वारा गठित ये विश्वविद्यालय अभी शैशव अवस्था में ही है। यहाँ स्वीकृत 7 संकायों में अभी 4 कार्य कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों और अध्यापकों के जोश के सामने आगे की लंबी यात्रा भी छोटी नजर आती है। अब यूं प्रशासनिक तौर पर बहुत चुनौतियां इसलिए हैं कि नया विश्वविद्यालय है। नए विश्वविद्यालय में हमारे पास जितने मैन पावर, जितना संसाधन, जितना बजट, ये सब चीज़ें आते आते अभी समय लगेगा, हो जाएगा, परंतु आज की डेट में जो हमारे पास संसाधन है उन पर हम लोग अपना मनोबल और कार्य संस्कृति को ऐसा बना दिया है हमने कि हमारी विश्वविद्यालय की पहचान देश में ही नहीं है, प्रदेश में नहीं है, विदेशों तक चली गई है। और अभी हाल में ही हमारे विदेशों से भी कई कोलैबोरेशंस होने जा रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर है यूके की, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन भी हो गया है। और इसके अलावा तमाम सारे भारत में जो संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, उनसे भी हमारी बराबर कोलैबोरेशन के लिए MOU वगैरह जो है हो चुके हैं और उनके संग आदान प्रदान करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी से अच्छी चीज़ों का आदान प्रदान यहाँ पर बच्चों के लिए करें और बच्चों को हम नवीनतम जानकारी और शिक्षा दें। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में एक ऐसा अकेला विश्वविद्यालय है जिसको भारत सरकार ने इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो विकलांग के विषय में जो लोग जानते नहीं हैं उनका मेंटल एटीट्यूड नहीं चेंज होता, तो हमें तो सबसे पहले साफ करना पड़ता है उनका मेंटल एटीट्यूड चेंज हो। हमारे यहाँ तमाम सारे ऐसे टीचर्स हैं जो विकलांगता के प्रति जागरूक नहीं है या जानते नहीं हैं उस बारे में, वो सामान्य शिक्षा से आए हैं
और हमारे यहाँ दूसरा विंग है जो स्पेशल एजुकेशन का विंग है, विशेष शिक्षा का विंग है। तो विशेष शिक्षा में हमारे यहाँ स्पेशल बीएड है, स्पेशल एमएड है, डीएड है, उसमें तमाम सारी तीन विकलांगताओं के वो अलग अलग चलते हैं, जैसे ब्लाइंड्स के लिए चलता है, दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है और शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं और मानसिक मंदित लोग हैं उनके लिए। इनके जो पढ़ाई विशेष शिक्षा में हमें इनके लिए विशेष शिक्षक रखने पड़ते हैं जो इस विधा के पारंगत हों, विशेषज्ञ। विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं कि अपनी तरह का एक पहला विश्वविद्यालय है, वो दो कारणों से कहते हैं और उन्हीं कारणों से इसकी उपयोगिता और उपादेयता भी है। पहला ये कि हम ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं और उनके पुनर्वास की, उनके रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं जिनके लिए उनकी भाषा में और उनकी उनको जैसी सुविधाएं चाहिए वैसी सुविधाओं के साथ शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। एक तो इस मामले में यह पहला विश्वविद्यालय है और दूसरा कि विकलांगता के जितने प्रकार हैं और जितने क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में सेवा करने के लिए, उस क्षेत्र में जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है उस प्रकार का एक प्रशिक्षित ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की का काम भी ये विश्वविद्यालय कर रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस विश्वविद्यालय के पास हैं जिनके कारण कहते हैं कि ये भिन्न है। तो जो तीसरी इसकी विशेषता है कि एक साथ सामान्य विद्यार्थी और जो विशेष प्रतिभा संपन्न और विशेष योग्य विद्यार्थी हैं जिनको हम सामान्य रूप से विकलांग विद्यार्थी कहते हैं, वो दोनों एक क्लासरूम में बैठते हैं। उसके पीछे जो लक्ष्य है कि हम जिस समाज में हैं वो समाज सबके लिए है, हम विकलांग व्यक्ति के लिए एक अलग समाज की कल्पना नहीं कर सकते, ये समाज इंक्लूसिव है। इसलिए शिक्षा और उसके स्तर से, इन विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के स्तर से जब इस प्रकार का समावेशी वातावरण दिया जाएगा और उसमें छात्र तैयार किए जाएंगे, वो छात्र एक समाज के सशक्त नागरिक बनेंगे। विश्वविद्यालय अपनी पहचान शोध के माध्यम से बनाते हैं और इस वर्ष हम लोगों ने विश्वविद्यालय में शोध की प्रवेश परीक्षा आयोजित की और 70 विद्यार्थियों को उसमें प्रवेश दिया और गुणवत्ता परक शोध करा करके हम एक अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है वो उसमें विशेष जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनको हम लोगों ने डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स या भिन्न रूपेण योग्य विद्यार्थी की संज्ञा दी है उनको ध्यान में रख करके की गई है और ये अप्रतिम उदाहरण है इस बात का कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है जिसमें राज्य कल्याणकारी पहल करता है, तो इससे अनूठा और अप्रतिम उदाहरण नहीं मिल सकता है क्योंकि इस विश्वविद्यालय में इन बच्चों को तरजीह दी गई है और विकलांगजन विकास विभाग के द्वारा तो तमाम इस तरह से चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस मोहन रोड स्थित उस पर चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने विद्यालय में भी, जब हमारे विश्वविद्यालय में भी जो मेरा विभाग है उसमें समाज कार्य विभाग का जब हमने पाठ्यक्रम प्रारंभ किया तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जो इस तरह की संस्थाएँ हैं विशेष रूप से जिनको विकलांगजन विकास विभाग देख रहा है उनमें बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता विद्यार्थियों की सुनिश्चित करें और उस दिशा में क्या कारगर कदम उठाए जा सकते हैं और किस तरीके से मुख्य धारा में इन बच्चों को हम समायोजित कर सकते हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अपना पाठ्यक्रम विकसित किया और दो चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता है हमारे पाठ्यक्रम में अध्यापन के अतिरिक्त, वो है कि हम फील्ड वर्क और कॉन्करेंट फील्ड वर्क दोनों संचालित करते हैं और इसके लिए हमने शहर के तमाम संस्थाओं को चिन्हित कर रखा है जहां हमारे बच्चे निर्धारित तिथियों में जाते हैं और वहां पर वो तमाम गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं में जाकर के अपने
ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले निःशक्त विद्यार्थियों के लिए शिक्षा छात्रावास और भोजन सब कुछ निःशुल्क है। विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना व्यापक स्तर पर की जा रही है। भारत सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय से लेकर राज्य सरकार में भी अनेक स्तरों पर विश्वविद्यालय के प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं। देखिए, यह ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि इसमें कोई भी ऐसा विभाग या ऐसा व्यक्ति या ऐसा संस्थान नहीं है जो इसमें सहयोग के लिए आगे न बढ़ता हो। तो सभी का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिलता है और यह विश्वविद्यालय पूर्णतया बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में काम करता है। इसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का बच्चा होगा तो उसको किसी भी जगह जाने में, बैठने में, पढ़ने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती है। तो इस पवित्र उद्देश्य के लिए भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या हमारे कॉरपोरेट सेक्टर हैं, सभी लोगों का भरपूर सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता है। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस वाईफाई से युक्त है। आधुनिक ऑडियो विजुअल एजुकेशन एड्स से सुसज्जित यहाँ के स्मार्ट क्लासरूम्स किसी भी आधुनिक विश्वविद्यालय को टक्कर देते नजर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भिन्न रूपेण योग्य छात्र आते हैं तो उनको हम ट्राईसाइकिल दिलवाते हैं, उनको व्हीलचेयर उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको जो है वो प्लेक्स टॉक जो है मिलता है। अब हम एक बच्चों के लिए जो है वो चिकित्सीय शिविर जो है लगवाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों का परीक्षण होगा और उससे जो संबंधित जो चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। और निकट भविष्य में जल्दी ही जॉब फेयर भी हम लगाने जा रहे हैं। अभी दो दिन तीन दिन पहले जो है 17 से 19 तारीख तक जो है बच्चों को CRC कानपुर से सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई थी, यहाँ बच्चों का जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है और फिर वो अलग अलग उनकी योग्यता के हिसाब से बच्चों को जो है वो जॉब में समायोजित करेंगे जो है। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी रही है और एक बड़ा अवसर भी। निःशक्त विद्यार्थियों के साथ सामान्य विद्यार्थियों को जोड़ने की क्रिया जिसे हम एक प्रकार का रिवर्स इंटीग्रेशन कहते हैं, उसमें केवल विद्यार्थी को पठन पाठन के माध्यम से ही नहीं जोड़ा जाता बल्कि निःशक्त विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों के बीच में एक प्रकार का मनोवृत्तात्मक एकीकरण भी किया जाता है। हमारा प्रयास है कि हम सामान्य विद्यार्थियों के साथ निःशक्त विद्यार्थियों को उसी गुणवत्ता की शिक्षा दें जिस प्रकार की अन्य विश्वविद्यालयों के स्तर पर अपेक्षा की जाती है। किंतु हमारा प्रयास हाल के वर्षों में ये भी है कि हम एक प्रकार से जो ब्रेल लिपि है उसको अधिक लोकप्रिय बनाएं, केवल कैंपस में ही नहीं कैंपस से बाहर भी हम समाज जीवन से अपने विद्यार्थियों को जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे हमारे विद्यार्थी जब कैंपस से बाहर पठन पाठन के लिए जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, तो वहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार हम समाज जीवन में निःशक्त जनों को जोड़कर उनका आर्थिक समुच्चय करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक समुच्चय आर्थिक तौर पर निःशक्त जनों का नहीं होता है तब तक सही अर्थों में आर्थिक समावेशन उनका नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ प्रबंध संघ विभाग है, संकाय विभाग है और साथ साथ हमारा वाणिज्य विभाग है जिसके अंतर्गत MBA, MCOM और BCOM की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। प्रबंध संकाय में एक बैच हमारा निकलने वाला है और वाणिज्य संकाय में विभाग में MCOM के थर्ड सेमेस्टर और BCOM के थर्ड सेमेस्टर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके हेतु हम लोगों ने अपना प्लेसमेंट और गाइडेंस सेल का भी गठन किया है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को रोजगार देने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही साथ हमने अपने विभाग में
रेमेडियल क्लासेस शुरू किए हैं जो विशेष रूप से डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनको हम अलग से एक घंटा उनकी कोचिंग करते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं, जिसकी वो हमारे विश्वविद्यालय का विशेष उद्देश्य है। मित्रों, आंखें वो नेमत हैं जो ईश्वर ने हमको दी हैं, और उनकी अहमियत हमें तभी पता चलती है जब हमारी आंख में कोई धूल का कण चला जाए या हमारी आंखों में तकलीफ हो। सोचिए उनके बारे में जिनके पास ये नेमत नहीं है ईश्वर की दी हुई, लेकिन फिर जिंदगी वहां तो नहीं रुक जाती। इस विश्वविद्यालय में ये अद्भुत कक्षा में हम बैठे हैं जहां पर कुछ तो हमारे साथ दृष्टिबाधित मित्र हैं और कुछ की आंखें ठीक हैं। अब प्रश्न ये है कि ये यहां किस बात की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो स्वयं हम उनसे पूछेंगे कि यहां किस चीज की ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। जी बताइए। जी, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको हम पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हम किस तरीके से उनको पढ़ा पाएंगे। जैसे कि हम बीएड कर रहे हैं, ये विशेष बीएड है, ये दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने के लिए है, और हम इसमें ये ट्रेनिंग लेते हैं कि उनको कैसे ब्रेल सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस किस तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन लोगों को समझ नहीं पाते, तो उन चीज़ों को हम समझाएंगे। हमारे साथ जो बैठी हैं बगल में, आप बताइए, आप तो ठीक हैं, तो आप किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रही हैं? सर, मैं यहाँ स्पेशल बीएड की ट्रेनिंग ले रही हूँ, एक विशेष, जिसको विशेष बीएड कहते हैं, और इसमें हम स्पेशली जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे हम विद रिसोर्सेज उनको टीच कर सकते हैं थ्रू अ प्लस कैरिकुलम जो हम यूज़ करते हैं इनको पढ़ाने के लिए। और इसमें ना कि केवल हम ये ट्रेनिंग लेने के बाद वीआई को ही पढ़ा सकते हैं, हम नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं और उनको इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं कि हमारे साथ में जैसे हम वीआई को पढ़ा रहे हैं वैसे हम नॉर्मल भी साथ में इंटीग्रेट करके उनको पढ़ा सकते हैं। और इसमें वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं कि हम कैसे वीआई बच्चों को मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको हर एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं कि जो भी वो पढ़ें उसको हम कितना बेहतर तरीके से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इस पाठ्यक्रम में आती हैं और ये बहुत अच्छा है जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वीआई के लिए, और जो कुछ भी इस यूनिवर्सिटी में हम सीख रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको एक ऐसे अनोखे विश्वविद्यालय में ले जाएंगे जो पूरे देश में अपने किस्म का इकलौता है। तो अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास हो रहा है ना, चलते हैं आगे की यात्रा पर। इस बात से इनकार नहीं कि आजादी के बाद से देश ने काफी तरक्की की है और इन महत्वपूर्ण विषयों के प्रति समाज की संवेदनशीलता भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी बढ़ती जनसंख्या के चलते ये प्रयास नाकाफी नजर आते हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में ऐसे डिफरेंटली एबल्ड साथियों की तादाद सर्वाधिक है। प्रश्न ये है कि इस दिशा में भला और क्या किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है जो मैं आके महसूस किया कि उच्च शिक्षा तो सरकार ने विश्वविद्यालय बना दिया है, लेकिन जो मेरा अभी 8 महीने का अपना अनुभव है एज वाइस चांसलर, कि जब तक हम लोग नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की भी उनके लिए गुणवत्ता परक शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक इस यूनिवर्सिटी का जो पवित्र उद्देश्य है वो सही अर्थों में पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी हमारे यहाँ 50% आरक्षण होने के बावजूद समस्त पाठ्यक्रमों में 20% से ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए। तो हम लोग प्रयासरत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी कई बार इस जिले में, उनकी भी पूरी सहमति है कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल राज्य सरकार खोलने जा रही है जिनमें विकलांग बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो मॉडल स्कूल के खुलते ही हमारा ये जो हम लोगों की कमी है कि उच्च शिक्षा में अभी पूरी तौर पर नहीं आ पा रहे हैं लोग, वो कमी भी पूरी हो जाएगी। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पढ़ने वाले सामान्य छात्र आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने स्पेशल फ्रेंड्स को उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं।
कहने का मतलब ये कि ऐसा इंक्लूसिव यानी समावेशी वातावरण छात्रों को बाधा रहित शिक्षा का माहौल प्रदान करता है और भारत समेत अनेक देशों के छात्र यहाँ हीन भावना से ऊपर उठकर बराबरी के दर्जे के साथ अपने सुनहरे भविष्य की नींव रखते हैं। इस विश्वविद्यालय में इससे पहले भी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ा, पर यहाँ के विश्वविद्यालय की जो अनोखा अनुभव मुझे हो रहा है उसकी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैं अलग अलग तरह के निशक्त विद्यार्थियों से, जिनके पास शारीरिक रूप से तो वो विकलांग है पर अलग अलग तरह की प्रतिभाओं से युक्त हैं, उनके साथ जो अनुभव होता है वो मुझे अधिक संवेदनशील बनाता है और यहाँ पे सारे बच्चों के साथ में सहयोग करते हुए दिल से बहुत खुशी होती है और लगता है कि शायद इस समाज के प्रति, इस मानवता के प्रति हम कुछ योगदान कर पा रहे हैं। मैं हाथ से पैर से 75% विकलांगता के बावजूद इस विश्वविद्यालय से NSW कोर्स करने 9 जनपद से आया हूँ। मैंने अपने इस शैक्षणिक समय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इंडिया ने अपना चयन और इंटरनेशनल को 2013 ने अपने समक्ष अपनाया और यहाँ मैं जो शिक्षा दीक्षा अपने अध्यापकों के माध्यम से ग्रहण कर रहा हूँ उसे पाकर मुझे गौरव महसूस होता है। देखिए, मैंने आने के बाद यहाँ सबसे पहले तो हमने यहाँ की बुनियादी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने युद्ध स्तर पर प्रयास किया। उसमें जो हम लोगों की बड़ी सफलताएं रही इस दौरान, जैसे हम लोगों ने उन कोर्सेज पे ध्यान दिया जो जाप से जुड़ी हुई हों, क्योंकि विकलांग जनों को शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय का जब तक नहीं हम उनसे सीधा रिश्ता जोड़ पाएंगे तब तक उनको मुख्य धारा में नहीं हम लोग जो लाने में सफल हो पाएंगे, कि वो डिग्री देने से ही उनका उद्धार नहीं होना है। तो हम लोगों ने जैसे ला बीकॉम हम लोगों ने LLB 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू कराया, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में बीकॉम LLB की बहुत अधिक डिमांड है और बीकॉम LLB आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में बीकॉम LLB की पढ़ाई नहीं होती थी। तो हम लोगों ने कॉरपोरेट सेक्टर से बात करके बीकॉम LLB की पढ़ाई शुरू कराई। इसके साथ साथ हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन लैंग्वेज में हम लोग सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की बहुत अधिक डिमांड है सभी जगह। आपके दूरदर्शन के अलावा किसी भी चैनल में इंटरप्रेटर की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं, जबकि नितांत आवश्यक है कि एक भी डेफ बच्चा है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए इंटरप्रेटर की बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मेरा खुद का मानना है कि विकलांग जनों की जो आबादी है उसको बहुत अधिक उनकी संवेदना के स्तर पर जुड़ के कार्य करने की जरूरत है। इसलिए यह ऐसा विषय है जिसमें चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर्स हो, सबको मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा। इसमें खास तौर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो CSR का भारत सरकार की सोच है, उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का जो भी जो CSR का फंड है उसमें विकलांग जनों की को मुख्य धारा में लाने से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उनको वरीयता पर किए जाने की जरूरत है। इनकी शारीरिक कमी इनके मजबूत इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। इनके हाथ पांव, आंखें और शरीर इनके फौलादी हौसलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो उसके बदले न जाने कितने नए द्वार खोल देता है। वास्तव में ये स्पेशल स्टूडेंट्स असंभव को संभव बना सकते हैं, बस अगर कुछ चाहिए तो इस अनोखे विश्वविद्यालय जैसे विद्या के मंदिर जो इन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की राह दिखा सकें। साहिर लुधियानवी का शेर है,
पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। मित्रों, वही देश इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है जो अपने सभी निवासियों को समानता का अधिकार देता है, सबको साथ लेकर चलता है। हमारे ये स्पेशल फ्रेंड्स जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला न महसूस करें, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमा भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए।